सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी हम निकल गए हैं पार्क के लिए, दृष्टि को घूमी करनी है, घूमने जाना है, घूम भी करनी है। एंड पार्क बस नियर बाई है, दो मिनट में पहुंच जाएंगे हम। सो गाइस, आज मैं थोड़ा ऑफिस से जल्दी आ गया था एंड टाइम भी है, सो इसलिए हम पार्क के लिए निकल गए, बिकॉज दृष्टि इवनिंग टाइम में थोड़ा बाहर घूमने के लिए जिद करती है, तो पार्क में थोड़ा राइड्स हैं एंड उसको थोड़ा वॉक भी करवा देते हैं हम, उसको थोड़ा अच्छा भी लगता है। सो मिलते हैं हम पार्क में सीधा। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं पार्क में, दृष्टि मेरे पास है और अभी देखो कैसे घूम रहे घूम ही रहे हो अकेले, मेरे गुल्लू को मैंने पकड़ा हुआ है। अरे मैं लगा रही थी, जिद कर रही थी तो ऐसी एक उंगली पे लगा दिया, एक फिंगर पे फेंक रही थी, वरना शीशी पता नीचे लगानी पड़ी थी थोड़ी सी। सो गाइस देखो यहाँ पे कितने सारे राइड्स हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी हैं वैसे, वो एक्सरसाइज वाले हैं मीन्स की, पर छोटे बच्चों के लिए स्विंग्स हैं, देन ये है और ये स्मॉल बेबीज के लिए ये वाला है जिसमें दिशि राइड कर रही है। सो गाइस, आज ज़्यादा क्राउड नहीं है एंड दृष्टि अपनी राइड एंजॉय कर रही है, अब मज़ा आ रहा है दृष्टि को। बस अब कुछ ना कुछ आवाज़ निकालने में लगी है। बस थोड़ी देर इसको राइड करवा के देन फिर चलते हैं आगे। सो गाइस, अभी राइड कर लिए, नाउ हम आगे जा रहे हैं, थोड़ा वहाँ पे जाके दृष्टि को घुमाते हैं, देन हम थोड़ा बैडमिंटन खेल लेंगे एंड देन दृष्टि को वॉक करवाएंगे। हाँ आगे वाले में चलते हैं। आज वेडनेसडे है, सो क्राउड कम है, सैटरडे संडे में यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। ये आंटी लोग यहाँ पे डेली योगा करते हैं एंड मेडिटेशन। ये यहाँ पे हमने लगा दिया मैट, दृष्टि ने पकड़ लिया अपने टॉयज और हम अपना बैडमिंटन निकाल के हम भी अब प्ले करेंगे। दृष्टि हमारी ऑडियंस है, अब वो हम दोनों को देखेगी।
सो गाइस नाउ अब हम घर जा रहे हैं। टाइम हो गया 6:57, 7 o'clock होने वाले हैं। अब घर जाना है, फिर हमने डिनर भी बनाना है, बहुत काम है। ऋषि अभी जाते टाइम एक बार फिर से दृष्टि को राइड करवा देंगे। एक्चुअली पार्क में मॉस्किटो होने लग जाते हैं इस टाइम पे, सो इसलिए इस टाइम पे अब घर निकलना ही सही है। नाउ गाइस देशी अगेन घर जाते हुए डेली स्विंग करने की जिद करती है, इसलिए अभी से डेली हम आते वक्त स्विंग करा देते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी चलते चलते प्लान बना है कि अभी इडली सांभर खाकर घर जाएंगे। तो मेट्रो स्टेशन के पास एक स्टॉल है, वहाँ पे काफी अच्छा साउथ इंडियन फूड मिलता है, तो वहीं पे जाकर सेक्टर 14 के पास वहीं पे जाकर ही हम इडली सांभर खाते हैं। और इडली दृष्टि का भी फेवरेट फूड है ना दृष्टि? दृष्टि तो दिखी नहीं है। ब्लैक क्यों हो रहे हो? सो गाइज हम यहाँ आए सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने स्टॉल है साउथ इंडियन फूड करके। ये बहुत टेस्टी सांभर वड़ा, डोसा, इडली सब कुछ बहुत टेस्टी देते हैं। अगर किसी ने खाना हो तो ये बहुत टेस्टी स्टॉल है, आप आ सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स हम फाइनली अब घर जा रहे हैं। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल कलाराज ऑफिशियल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।